नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय टीम पुणे में रविवार को 3 मैचों के वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी। शुक्रवार को दूसरे वनडे में करारी हार के बाद भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे वनडे में 336 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन खराब गेंदबाजी की वजह से टीम इसका बचाव नहीं कर पाई। कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को सीरीज जीतना है तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट को दुरुस्त करके ही उतरना होगा। 336 रन जैसे बड़े स्कोर का बचाव अगर टीम के गेंदबाज नहीं कर पाए तो इससे बड़ी चिंता की बात नहीं हो सकती। भारतीय टीम तीसरे वनडे में एक संभावित बदलाव के साथ उतर सकती है। स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर किया जा सकता है। पहले और दूसरे वनडे में उन्होंने दिल खोल कर रन लुटाए हैं, जबकि एक विकेट भी हासिल नहीं कर पाए हैं। दूसरे वनडे में तो उन्हें 8 छक्के पड़ गए। तो चलिए नजर डालते हैं कौन कौन से खिलाड़ी नजर आएंगे टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में तीसरे वनडे में। भारत के लिए पारी की शुरुआत एक बार फिर रोहित शर्मा और शिखर धवन ही करते नजर आएंगे। दोनों से एक बड़ी शुरुआत की उम्मीद होगी। दूसरे वनडे में कप्तान विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 336 रनों का स्कोर खड़ा किया था। यहां कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लय में लौटे ऋषभ पंत ने दूसरे वनडे में दमदार वापसी करते हुए अर्धशतक बनाया था। उम्मीद है कि आखिरी मैच में भी वो बतौर विकेटकीपर टीम में रहेंगे। पहले दोनों मैच में जोरदार पिटाई होने के बाद कुलदीप के तीसरे मैच में खेलने की उम्मीद ना के बराबर है। युवेंद्र चहल को उनकी जगह प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है। तेज गेंदबाजी में भी बदलाव होने की उम्मीद कम ही है। अनुभवी भुवनेश कुमार के साथ प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ही निर्णायक मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का भी फैसला कर सकती है। टीम हो सकता है सिर्फ एक स्पिनर के साथ ही मैदान में उतरे। तो चलिए नजर डालते हैं तीसरे वनडे में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 पर। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 के बारे में? अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।